सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर, इट्स का प्रोडक्शन एंड आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ अभी जो आपने प्रीव्यू में स्टेटस देखा जो कि यार काफी वायरल चल रहा है, उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वीएन एडिटर के अंदर। जनरली इस टाइप का स्टेटस यार अलाइट मोशन से क्रिएट किया जाता है जो कि काफी लंबा प्रोसेस है, बट इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ वीएन एडिटर से आप इसे एडिट कर पाओगे, बहुत ही 4-5 स्टेप के अंदर आप इसे क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, साथ ही में आप मुझे ये भी कमेंट करके जरूर से बताना कि ये जो स्टेप में बताया रियली में सिंपल था या फिर नहीं था। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले वीएन एडिटर को ओपन करना है एंड यहां पे प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहां पे आपको अपना फोटो लेके आना है या फिर जिसका भी फोटो पे मींस आप वर्क करना चाहते हो या यू बोलो स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, तो सिंपली से आपको ये फोटो वाले पे मींस क्लिक करना होगा। देन अगर यहां से आपको नॉर्मली फोटो मिल जाता है देन बहुत अच्छा, आपको ले लेना, बट यहां देखो यार मुझे मींस इस टाइप का फोटोज मिल रहा है जो कि मुझे नहीं यूज करना है, तो सिंपली सा ऑल पे हम क्लिक करेंगे एंड जिस फोल्डर में मींस आपका फोटो होगा उस फोल्डर को आप टैप करना, देन उसके बाद आप अपने फोटो को मींस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस फोटो को हम सेलेक्ट करते हैं, डन पे क्लिक करते हैं या फिर यू बोलो एरो वाले बटन पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद ओरिजिनल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट इसको आपको 9:16 कर लेना है क्योंकि यही काफ़ी सही रेशियो होता है। देन उसके बाद अपने फोटो पे क्लिक करना है और इसे थोड़ा अच्छा से हम सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप था एंड हमने इसे कर लिया। देन उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है उसे हमें इंक्रीज करना होगा, जितना टाइम तक मीन्स आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, तो इसे मैं 10 सेकंड तक इंक्रीज कर देता हूँ, 10 to 12 सेकंड, इतना ही दूर तक हम स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहां पे आपको एक वीडियो इंपोर्ट करना होगा जिसका डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो PIP पे आपको क्लिक करना है या फिर यू बोलो थर्ड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, देन वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट आपको वीडियो इंपोर्ट करना होगा ये वाला, ठीक है। इसका लिंक मैंने दे दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना जाने क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसे आप जस्ट यहाँ पे ऐड करना, देन उसके बाद फिल पे आपको क्लिक करना है, पूरा स्क्रीन में ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप थोड़ा सा इधर अगर लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको क्रोमा का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करना एंड परफेक्ट इसने कैच किया है, ब्लू को ही हमें सेलेक्ट करना है, तो ब्लू को सेलेक्ट कर देना एंड स्पिल को आप 0 रख के डन कर देना, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद आपको अपना फोटो को अच्छा से एडजस्ट करना होगा इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने फोटो पर क्लिक करना एंड इसे यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फोटो क्लिक किया एंड इसे थोड़ा अच्छे से यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना फोटो को जस्ट आप इसमें एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेने के बाद इसे हमें करना होगा एक्सपोर्ट नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हम कर लेंगे बट उससे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी ग्रीन स्क्रीन लास्ट तक है या नहीं। अगर आप लंबा टाइमिंग के लिए बना रहे हो तो ग्रीन स्क्रीन को डुप्लीकेट करके मीन्स आप पूरा कर लेना, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना एंड यहाँ से अपना मीन्स इसे एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसका एक्सपोर्ट होने का। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद फिर से प्लस वाले बटन पे क्लिक करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर से फोटो पे क्लिक करना होगा एंड अपना फोटो को लेके आना है। तो यार वही मैं डाउनलोड वाले फाइल में जाता हूँ एंड सेम फोटो को आपको जस्ट यहाँ पे लाना होगा, सो इसलिए हम सेम फोटो को जस्ट यहाँ से पिक करते हैं, डन वाले बटन पे क्लिक करते हैं एंड ओरिजिनल पे आके 9:16 को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे थोड़ा अच्छा से सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट या फिर यू बोलो फिल्टर पे आप टाइप करना है, ठीक है। फिल्टर पे टाइप करना, एडजस्ट पे आना एंड इसका एक्सपोजर को जस्ट आप 50 माइनस कर देना, ठीक है। -50 कर देना है आपको, यार ये 40 इस टाइप का हो जा रहा है बट आपको 50 रखना है, ठीक है। 51 भी है तो कोई बात नहीं, 50 रखते हैं एंड उसके बाद फिल्टर पे आपको आना है एंड इसमें आपको एक ल्यून करके मिलेगा या यू बोलो L1, ठीक है। तो L1 को जस्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड डन पे क्लिक कर देना है, तो इस टाइप का मीन्स ये आपका बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे PIP पे आपको फिर से क्लिक करना है एंड वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करके जो अभी आपने मीन्स एक्सपोर्ट किया था उस वाले वीडियो को यहाँ पे टैप करके इम्पोर्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो ऐड हो चुका है, ठीक है। स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे फिल पे आपको क्लिक करना है, ये वीडियो हमारे यहाँ पे फिल हो गया। देन फिर से आपको क्रोमा की पे आना होगा और इस बार हमें ग्रीन को सेलेक्ट
सेलेक्ट करना है, वही यार ये स्पिल को आप पहले जीरो कर देना, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स ये जो इफेक्ट, ये इफेक्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद यार इसका जो ड्यूरेशन है ना उसे हमें इंक्रीज करना होगा, क्योंकि ये मीन्स 3-4 सेकंड का बाई डिफॉल्ट ऐड होता है। तो यहाँ पे हम इसे फिर से 10-12 सेकंड तक कर दिए। देन उसके बाद देख सकते हो हमारी ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है ना। उसके बाद क्या करना है, अभी जो आपने एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो लाए हो उस पर आपको क्लिक करना एंड फिल्टर पे आके जस्ट इसका भी फिल्टर यार आप यहाँ पे ना ल्यून के बगल में आपको एक मिलता है FO3 टाइप करके, तो इसे सेलेक्ट करना या फिर कोई अच्छा वाला कर लेना एंड डन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो इतना काम कर लेने के बाद हमारे यहाँ पे देख सकते हो ये इफेक्ट ऐड हो गया, बट इसमें हमें सॉन्ग भी ऐड करना है एंड साथ में पार्टिकल इफेक्ट भी ऐड करना है। सो पार्टिकल इफेक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना एंड पार्टिकल इफेक्ट का डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड करना, इंपोर्ट करना एंड इसको फिल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। तो फिल पे हम क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग पे आते हैं एंड स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके जस्ट आप यहाँ पे इसे ऐड कर लेना। देन उसके बाद फिर से आपको PIP पे क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक करना है एंड इस वाले वीडियो को भी जस्ट यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना होगा एंड इसको भी फिर से फिल स्क्रीन करना है एंड ब्लेंडिंग पे आना एंड स्क्रीन करना। इसमें मेनली है बीट इफेक्ट, ठीक है। तो देख पाओगे यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको बीट या फिर यू बोल लो फ्लैश इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। सो इस तरीके से करके हमने यहाँ पे मीनस सारा ऐड करने वाला चीज़ कर लिया है, या यू बोल लो हमने पूरा एडिट कर लिया है। आप देख भी सकते हो कम्प्लीटली हमारा एडिट हो गया, बट इसमें जस्ट हमें एक सॉन्ग ऐड करना होगा। सो सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करते हैं, म्यूजिक पर क्लिक करते हैं एंड देन चूज पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा म्यूजिक ऐड हो जाएगा। तो डन पे क्लिक करना है एंड हमारा म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से करके हम यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लिया, हमारा स्टेटस कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है। एक्सपोर्ट वाले बटन पे सिंपली से क्लिक करना है एंड इसे एक्सपोर्ट करना है, तो आप देख पाओगे कि आपका जो स्टेटस है वो परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। जस्ट अब वीडियो खत्म करते हैं।